हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल लेटेस्ट और नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि निकल कर आता है होनर की तरफ से, होनर X10। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होनर X10 की स्पेसिफिकेशंस और इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, होनर अपनी 9 सीरीज़ के बाद, होनर 9A, होनर 9C एंड होनर 9S के बाद अपनी एक नई सीरीज़ लॉन्च करने का प्लान कर रही है, जो कि होने वाली है होनर X सीरीज़। दोस्तों, जो होनर X सीरीज़ होने वाली है, इसमें होनर लॉन्च करेगा अपने एक नया स्मार्टफोन, जो कि होने वाला है होनर X10। हाँ जी दोस्तों, ये कंपनी तैयारी कर रही है, यानी प्लानिंग कर रही है होनर X10 को लॉन्च करने की। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होनर X10 की स्पेसिफिकेशंस और इसकी लॉन्चिंग डेट। सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी इस होनर X सीरीज़ के नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है होनर X10 या होनर 10X के नाम से, इन दोनों में से एक नाम से ये लॉन्च होगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो दोस्तों, जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है, वो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इसके कैमरा से। दोस्तों, आपको जो इसमें बैक में देखने को मिलेगा, वो निकल कर आ रहा है, इसमें आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा। आपको इसमें देखने को मिलेगा ट्रिपल, यानी तीन कैमरा सेटअप। आपको कितने कितने मेगापिक्सल्स के मिलेंगे, ये भी मैं बताता हूँ। कहा जा रहा है आपको इसमें देखने को मिलेगा 48+8+2 मेगापिक्सल्स के। दोस्तों, ये तीन कैमरा सेटअप आपको बैक में देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट कैमरा की बात चल रही है कि आपको इसमें जो फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, यानी कि 16 मेगापिक्सल्स का आपको अपनी सेल्फीज़ क्लिक करने के लिए। तो दोस्तों, अब बात कर ली जाए इसकी कुछ प्रोसेसर के बारे में, जो कि फ़ोन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, इसमें बात की जा रही है कि आपको इसमें देखने को मिल सकता है कीरिन का प्रोसेसर। हाँ जी, इसमें आपको मिलेगा कीरिन का 820। तो देखते हैं क्या मिलता है, अभी तो यही बात आ रही है, कीरिन का प्रोसेसर मिल जाएगा, कीरिन 820। और ये स्मार्टफोन होगा, ये बेस्ड होगा Android 10 पे, तो काफ़ी अच्छी बात है, Android 10 पे बेस्ड होगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट की, कि लॉन्चिंग डेट क्या है, इसके कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों, ये जो होनर का नया स्मार्टफोन होने वाला है होनर X10, इसकी लॉन्चिंग डेट सामने निकल कर आ रही है 20 मई। हाँ जी, 20 मई सामने निकल कर आ रही है कि 20 मई को हमें होनर X10 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो इंतज़ार रहेगा हमें 20 मई का। और दोस्तों, अब इसकी कुछ और एक दो स्पेसिफिकेशन रहेगी, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। आपको जो इसमें बैटरी देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी 4200 mAh की, और विद 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। दोस्तों, आपको जो इसमें स्क्रीन का साइज़ देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा 6.63 इंचज़ का फुल HD+ डिस्प्ले। हाँ जी, स्क्रीन साइज़ होने वाला है 6.3 इंचज़ का, और डिस्प्ले होने वाली है इसमें फुल HD+ डिस्प्ले। और दोस्तों, ये जो इसमें फिंगरप्रिंट की बात की गई है, यानी सिक्योरिटी की बात की गई है, आपको ना तो इसमें फिंगरप्रिंट फ्रंट में देखने को मिलेगा, मतलब स्क्रीन के अंदर, ना आपको बैक में देखने को मिलेगा। आपको इसमें फिंगरप्रिंट मिलेगा साइड माउंटेड, यानी फ़ोन की साइड में आपको इसमें फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसके कलर वेरिएंट्स के बारे में भी कुछ सामने निकल कर आ रहा है कि आपको इसमें कौन कौन से कलर वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, आपको इसमें चार कलर वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक सिल्वर, एक ब्लू, एक ब्लैक एंड एक ऑरेंज। तो ये चार कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, सिल्वर, ब्लैक, ब्लू एंड ऑरेंज। दोस्तों, यही थी इस होनर X10 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस। तो देखते हैं कि कंपनी इसको किस नाम से 20 मई को लॉन्च करेगी, होनर X10 या होनर 10X। तो दोस्तों, यही थी बस आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मेरी इन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।